नमस्कार, इस विशेष फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैंने कहा था जिस दिन कोई बड़ी खबर होगी उस दिन हम बातचीत जरूर करेंगे, और आज बड़ी खबर जो आ रही है, कल शाम से आनी शुरू हुई है, वो है देश में नई शिक्षा नीति। कई लोग पूछ रहे हैं, मैं आज कर नहीं रहा था, लेकिन इतने मैसेजेस आए कहते हुए कि ये नई शिक्षा नीति में है क्या, आप बता दीजिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा, कैसे पता लगेगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, मैंने खुद जाके मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे देखा, वहाँ नहीं था, फिर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी वेबसाइट है, वहाँ देखा, वहाँ भी मुझे सुबह नहीं मिला, फिर किसी दोस्त के दया से मुझे पॉलिसी मिली। ये पूरी जो 60 पेज की पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि इस पॉलिसी में है क्या, कैसी है, क्या गलत है, क्या सही है। मैंने इसके बारे में कुछ दो चार बातें इसके हक में कल रात को कह दी, तो कई लोग पलट के पूछ रहे हैं, अच्छा अच्छा क्या तुम इसका समर्थन कर रहे हो। तो मैंने सोचा चलिए इसके बारे में एक चर्चा कर ले कि कुल मिला के ये पॉलिसी क्या है, इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आशंका है, और हमें इसके बारे में क्या रुख बनाना चाहिए। पहली बात तो आपको बता दूं कि पॉलिसी है क्या। देखिए, देश में शिक्षा का कुल मिला के क्या ओरिएंटेशन हो, क्या विजन हो, उसके लिए एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है। ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए इस पॉलिसी में जो लिखा है उसका कल सुबह कोई असर नहीं होगा। ये एक ओवरऑल विजन है, फ्रेमवर्क है, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो बताए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट देश में 10-15-20 साल बाद बनाया जाता है। पहली बार ये डॉक्यूमेंट बना था 60 के दशक में, जब कोठारी कमीशन आया था, बहुत बड़े विद्वान थे कोठारी साहब, शिक्षाविद, एक कमीशन आया था 1968 में, उसके बाद पहली बार एक पॉलिसी बनी, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द कंट्री, जिसने ओवरऑल फ्रेम दिया कि देश में शिक्षा के पर्पस क्या होने चाहिए, स्कूल में कैसे होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में कैसे होना चाहिए। तो एक छोटे छोटे टुकड़े को नहीं, सब टुकड़े को जोड़ते हुए एक समग्र तस्वीर बनाना, एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देना, ये काम होता है एजुकेशन पॉलिसी का। 1968 में पहली बार आई, उसके बाद अंदाजन 20 साल बाद 1986 में उस पॉलिसी को रिवाइज किया गया, नई पॉलिसी बनाई गई, एजुकेशन पॉलिसी, तब उसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा गया था 1986 में राजीव गांधी के समय। फिर 92 में उसको थोड़ा रिवाइज किया गया, उसी पॉलिसी को, तो दूसरी पॉलिसी का रिवाइज वर्शन था। 1992 के बाद 2020 अब आई है, 28 ईयर्स के बाद ये पॉलिसी आई है। जब से एनडीए सरकार आई, उन्होंने कोशिश की थी, पहले जब स्मृति ईरानी जी मंत्री थी, उन्होंने एक समिति बनाई थी टीआरएस सुब्रमण्यम जी के नेतृत्व में, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, शायद सरकार को पसंद नहीं आई, उस पर बात नहीं बनी। फिर उसके बाद एक दूसरी कमेटी बनी, ये कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में, उसने पिछले साल अपनी रिपोर्ट दी 2019 में, रिपोर्ट पे चर्चा हुई, और उसके बाद अब सरकार ने 2020 में इस रिपोर्ट के आधार पे, वो बहुत लंबी रिपोर्ट थी, कोई 480 पेज की रिपोर्ट थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, उसका कपड़ा छान निचोड़ लेके 60 पेज की एक समरी बनाई है, जो कि जिसे सरकार ने कल नई एजुकेशन पॉलिसी की तरह रिलीज किया है। संयोग से जब ये रिपोर्ट आई थी, ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी, तब मैंने इसके बारे में लेख लिखा था, तब मैंने इसके बारे में तब भी चर्चा हुई थी, चर्चा में हिस्सा लिया था, और अब ये जो 60 पेज का दस्तावेज है उसे ध्यान से मैंने पढ़ा है, उसके आधार पे आपको बता रहा हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि किसी भी पॉलिसी को देखते वक्त, किसी भी विषय पे अपनी बात बनाते वक्त, हम केवल और केवल ये ध्यान ना दें कि किस सरकार का है, मैं इसके पक्ष में हूं या विपक्ष में हूं। हमारे देश में दरअसल विपक्ष का मतलब केवल विरोध हो गया। अच्छा, मोदी सरकार ने बताया इसका विरोध करना है, मेरी पसंद की सरकार ने बताया समर्थन करना है, हमारे देश में ये हो गया ऑपोजिशन का मतलब। मैं इसको कभी नहीं मानता, मुझे लगता है कि हमेशा हमें वस्तुपरक तरीके से उसको देखें, उसके बारे में कहें। इसलिए जब ड्राफ्ट आया था इस पॉलिसी का एक साल पहले, तो मैंने कई दोस्तों को हैरान करते हुए लिखा था कि दरअसल ये ठीक ठाक ड्राफ्ट है, अच्छी है, अगर इस आधार पर सरकार नीति बना लेती है तो कोई बुरी बात नहीं। अब जब ड्राफ्ट आ गया है तो क्या स्थिति है, वो मैं आपको अगले 10-12 मिनट में बताऊंगा। बहुत छोटी चर्चा होगी, इसके आखिर में प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए भी कि मुझे कई और प्रोग्राम भी करने हैं, और इसलिए भी कई दोस्तों ने कहा है कि भाई अपना फेसबुक थोड़ा छोटा रखा करो, छोटा रखते हैं तो लोग पढ़ते हैं। इसलिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सार क्या है,
क्या अच्छा क्या बुरा क्या होगा। पहली बात मैंने आपको कही, याद रखिए ये खाली एक एजुकेशन फ्रेम है, इसके आधार पे कानून जब बनेगा तब बनेगा, जब कानून बनेगा तब लागू होगा, रेगुलेशन चेंज होंगे तब लागू होगा, बजट आएगा तब पैसा मिलेगा। अभी से इसके आधार पे कोई आप निष्कर्ष ना निकालिए। पुराना इतिहास दुर्भाग्यवश इस देश में ये रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी आती है, उसके बाद सरकार अपने मनमाने तरीके से उसके जो हिस्से को लागू करना चाहती हैं कर देती हैं, जिसको लागू नहीं करना चाहती नहीं करती, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी की कोई लीगल स्टेटस नहीं है, कोई लीगल सैंक्शन इसकी नहीं है। सरकार चाहे तो अगले 10 साल तक इस डॉक्यूमेंट को ड्रॉअर के अंदर डाल के रख सकती है, इसमें कुछ ना करे, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानून नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, रूल नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, ये बजट का आइटम नहीं है। जब बीजेपी ऐसा कोई एजुकेशन पे डॉक्यूमेंट लाती है तो हम सबके मन में क्या क्या डर होते हैं, कम से कम मेरे मन में डर होता है। डर क्या होते हैं? नंबर एक कि भाई ये सेफ्रनाइजेशन करेंगे, भगवाकरण जिसको कहते हैं, कि ले दे के सारी चीज़ों को एक रिलीजन, ये जो हिंदुत्व जिसको कहा जाता है जिस पॉलिटिकल लैंग्वेज में, इंडॉक्ट्रिनेशन करेंगे, या कि बहुत ही घटिया तरह की चीज़ों को पेश करेंगे, अंधविश्वास पे लेंगे। इस तरह का डर कई लोगों के मन में रहता है, मेरे मन में भी था, क्योंकि बीजेपी सरकारों ने कुछ जगह पे किया था। वो नहीं, उस तरह का रंग नहीं है। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे सेकुलरिज्म शब्द के इस्तेमाल से बड़ा परहेज किया है, बच बच के चले हैं, बीच बीच में भारतीय संस्कृति की 5-10 बार बात कर देते हैं, जो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरा नहीं। दूसरा मेरे मन में डर क्या था? दूसरा डर ये रहता है कि ऐसा होने पर जो राज्य की भूमिका है वो कम हो जाएगी, और इसमें केवल प्राइवेट सेक्टर और कमर्शियलाइजेशन, ये सब चीजें ज्यादा हो जाएंगी। उसका डर था, उसका डर है, क्योंकि कमर्शलाइजेशन की बात को ठीक से एड्रेस नहीं किया गया, लेकिन मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन कम से कम सीधे तौर पे ये नहीं कहा गया है इस पॉलिसी के अंदर कि स्टेट विड्रॉ करना शुरू कर दे, स्टेट रिट्रीट कर दे, बल्कि इसकी पॉलिसी में कहा गया है कि और ज्यादा पैसा सरकार को खर्च करना चाहिए, सरकार के इंटरवीन किए बिना स्कूल नहीं चल सकते, इन सब बातों को स्वीकार किया गया है, जो अच्छी बात है। तीसरा जो डर था वो ये है कि ये आते ही क्या एजुकेशन का स्कोप बहुत नैरो तो नहीं हो जाएगा, कि बस चुपचाप से अपनी टेक्निकल एजुकेशन लो, इंजीनियर बनाओ, ये लो, नौकरी लो, और शिक्षा का जो क्रिटिकल थिंकिंग, सोचना, लिबरल जो एस्पेक्ट शिक्षा का होना चाहिए, एक बेहतर इंसान बनाना जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, वो सब हट जाएगा। कम से कम कागज पे वैसा भी नहीं, कागज पे उन सब बातों को कहा गया है। अब ये बात अलग है कि ये कहना कि क्रिटिकल थिंकिंग बनाओ और दूसरी तरफ आप काम बिल्कुल उल्टे कर रहे हो, वो एक अलग चीज है, मैं उस पर थोड़ी देर में आऊंगा। तो जो पहली मेरी शंका थी, जो बड़ी शंकाएं थी, कम से कम वैसा डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि जो बिल्कुल भगवा स्टाइल के अंदर आरएसएस की आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसा डॉक्यूमेंट बन सकता था वैसा नहीं है, और अच्छी बात है। ये डॉक्यूमेंट, इससे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट आए थे यूपीए के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में, जनता पार्टी के जमाने में, उन सब डॉक्यूमेंट्स को बिल्ड करता है, जो कि होना भी चाहिए। मुख्य बातें क्या है? मुख्य बातें इसमें स्कूली शिक्षा के बारे में 10 बात मैं गिनाऊंगा दना दना आपको, ताकि समझ आ जाए कि मुख्य तौर पे डॉक्यूमेंट क्या कहता है। पहली बात ये कहता है कि आरटीई का विस्तार होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन जो 2009 में बना था, जिसमें कहा था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम 6 years to 14 years, 6 से 14 साल तक का था, अब उसको बढ़ा के डॉक्यूमेंट कहता है फ्रॉम 3 years to 18 years। बढ़िया बात होना चाहिए, अगर कर दिया तो शानदार बात है। दूसरा ये कहता है कि मिड डे मील स्कीम के साथ साथ बच्चों को ब्रेकफास्ट भी देना चाहिए स्कूल में, क्योंकि बच्चे बेहतर खाएंगे तो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देंगे, अच्छी चीज है, होना चाहिए। तीसरा ये कहता है कि ड्रॉप आउट रेशो को कम करना चाहिए, यानी कि जो बच्चे स्कूल से छूट जाते हैं, जो 100 बच्चे पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं, उससे आगे जाते जाते सिर्फ 40 बच्चे बचते हैं। ये कहता है कि नहीं, उन बच्चों को हमें लाना है, और अगले 10 साल तक 100% बच्चों को हम सेकेंडरी तक लेके आएंगे। बहुत अच्छा टारगेट है, हो पाएगा मुझे संदेह है, लेकिन बात अच्छी है। चौथा ये कहता है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस पे बहुत ध्यान देता है, और मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है। इसको हम नर्सरी कहते हैं ना, कि बच्चा का ज्यादातर मानसिक विकास 8 साल की उम्र तक हो जाता है, और 3, 4, 5 साल का जब बच्चा होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है उस बच्चे की मेंटल फैकल्टीज के लिए। और ये कहते हैं कि हम तो, हमारा गांव का तो बच्चा जाता ही 6 साल में स्कूल में, उसके बाद पढ़ना शुरू करता है, उससे पहले क्या होगा?
तो ये कहता है कि नहीं, हर बच्चे को 3 साल की उम्र से ऊपर पढ़ाई करवाना शुरू करें, चाहे आप आंगनबाड़ी के थ्रू करें या स्कूल के अंदर नर्सरी शुरू करें, हर बच्चे को ये शिक्षा मिलनी चाहिए और इस पे साधन लगाने चाहिए, इस पे बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस दस्तावेज के सबसे अच्छे आस्पेक्ट्स में से ये है ECCE। वैसे इसके बारे में 2013 में UPI के ज़माने में बहुत अच्छी नीति बनी थी जिसको इन्होंने स्वीकार कर लिया है, बहुत बढ़िया बात है, किसी भी सरकार ने किया काम तो अच्छा किया ना। चौथी बात, पांचवा, ये कहता है कि स्कूल में सब बच्चों को बराबर अवसर मिलने चाहिए, महिलाओं को, दलित, आदिवासी, गरीब बच्चे को, कहता तो है मगर उसके बारे में क्या करना चाहिए, कितना पैसा दिया जाएगा, इसके बारे में कुछ खास बात नहीं कहता, मैं इस पे आऊंगा एक मिनट। छठी बात, कहता है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, आजकल इतने छोटे छोटे स्कूल हो गए हैं कि एक स्कूल के लिए अपना म्यूजिक टीचर रखना, अपना फिजिकल ट्रेनिंग का टीचर रखना, अपनी लाइब्रेरी रखना संभव नहीं, तो कुछ स्कूलों को उसके साथ के सेकेंडरी स्कूल से जोड़ के स्कूलों को पूल करके, स्कूल को फिजिकली पूल नहीं किया जाएगा, स्कूल अलग अलग जगह रहेंगे, बच्चे अलग अलग जगह जाएंगे, लेकिन कुछ फैसिलिटी स्कूलों को मिला के दे दी जाए ताकि हर स्कूल के पास आए। अच्छा विचार है मेरे ख्याल से, ज्यादातर लोग, मेरे दोस्त सहमत नहीं है, लेकिन मेरे विचार से यह आइडिया बुरा नहीं है। सातवीं बात, नहीं सॉरी शायद आठवीं है, ये कहते हैं कि टीचर की रिक्रूटमेंट में, टीचर की रिक्रूटमेंट के अंदर उन्हें फेयर रिक्रूटमेंट की जानी चाहिए, पैरा टीचर्स जो रिक्रूट हो रहे हैं, ऐसे टीचर 5,000 तनख्वाह देकर सरकार रिक्रूट कर लेती है, शिक्षा मित्र किसी को बोल देते हैं, कुछ और नाम बोल देते हैं, ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात। ये इससे पहले JS वर्मा कमेटी कह चुकी है शिक्षा के बारे में, अच्छा विचार है, सरकार के डॉक्यूमेंट में आया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। ये शिक्षा मित्र वगैरह के नाम से बंद कीजिए, गेस्ट टीचर ये वो सब बंद कीजिए, प्रॉपर नौकरी दीजिए। अगर शिक्षक को अपनी नौकरी की परमानेंस नहीं होगी बेचारा पढ़ाएगा कैसे, और सिर्फ पैसा बचाने के लिए शिक्षक की तनख्वाह काटना और उसको कॉन्ट्रेक्चुअल और इस तरह की नौकरी देना गलत सिस्टम है। नवीं बात, कहता है कि शिक्षा में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जो साम्राज्य है वो खत्म करके बोर्ड अलग हो, सरकारी स्कूलों की फंडिंग कोई और करे और स्कूलों के रेगुलेशन का काम कोई और एजेंसी करे, विचार बुरा नहीं है। और आखिरी बात, ये कहता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसके बारे में बहुत बहस हो रही है, क्या कहता है कि बच्चे को पहली 5 क्लास में अपनी मातृभाषा या घर में जो भाषा बोली जाती है उसके आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। बड़ा बवाल मच रहा है, अभी मैं एक टीवी शो इसके ऊपर करके आ रहा हूं। मजे की बात यह कि इसमें कुछ भी नया नहीं, देश की हर पॉलिसी ने यह बात कही है पिछले 50 साल से, पिछली दोनों नीतियों ने भी एग्जैक्टली यही कहा था, और इसके अलावा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहा है जो फिर देश की पिछले 50 साल से पॉलिसी है। पता नहीं बवाल क्यों है, बवाल इसलिए है कि सब लोगों को लगता है इंग्लिश मीडियम, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और एक पढ़े लिखे लोग भी इस देश में 2 चीज़ों में अंतर नहीं कर पाते, इंग्लिश लर्न करना और इंग्लिश मीडियम में लर्न करना दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इंग्लिश लर्न करना जरूरी है, हर बच्चे को मिलना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में लर्न करना बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल कोकर मुत्ते की तरह हर गांव में आ रहे हैं, हर शहर में, हर बस्ती में आ रहे हैं, ना तो बच्चे को इंग्लिश आती है, ना पेरेंट्स को इंग्लिश आती है, ना ही टीचर को इंग्लिश आती है, काहे का स्कूल है भाई, वहाँ तो एजुकेशन नहीं हो सकती। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वैसे ये भी बता दूँ, होगा नहीं, इस देश के किसी प्रधानमंत्री में, किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाने वालों की जो ठेकेदारी है उसका विरोध कर सके, होगा नहीं। आप ना तो आशा बांधे ना आप चिंता करें, किसी की हिम्मत नहीं इस देश में काम करने। हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहती है नीति, हायर एजुकेशन में कहती है कि ये जो सिंगल डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, यानी कि क्या करते हैं, किसी के पास पैसा आ जाता है, डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट, 4 को इकट्ठा करके एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना देता है। ये पॉलिसी कहती है नहीं, ये बिल्कुल गलत सिस्टम है, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, मेरे विचार से बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है, बंद करने की हिम्मत इस देश में किसी की नहीं होगी, वो एक अलग बात है। दूसरा, वो कहते हैं लिबरल एजुकेशन, IIT जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको भी सोशियोलॉजी पढ़ाइए, हिस्ट्री पढ़ाइए, लिटरेचर पढ़ाइए, जैसा दुनिया में हर जगह होता है, सिर्फ हमारे यहाँ है कि इंजीनियर को कुछ नहीं पढ़ाया जाता इंजीनियरिंग के सिवा, आप सब विषय पढ़ाइए, अच्छी रिकमेंडेशन ये इसके बारे में इन्होंने की है। हायर एजुकेशन के बारे में ये कहा है कि UGC नामक जो संस्था है जो सब कुछ करती है, मैं भी उसका मेंबर था,
वही आपकी यूनिवर्सिटी को ग्रांट भी देती है, वही आपकी एकेडमिक चीज़ों को एक्रेडिटेशन भी करती है, वही आपकी क्वालिटी भी सेट करती है, वही आपका करिकुलम भी बताती है। ये सब काम अलग अलग संस्थाओं को दिए जाए, मेरे विचार से एक अच्छी चीज़ है। ये यशपाल कमेटी ने कहा था, काफ़ी साल पहले कहा था, अच्छा सुझाव है, इसको मान लेना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर अच्छा, और आखिर दो बातें और, ये कहती है कि शिक्षा के अंदर, इस शिक्षा के रेगुलेशन के अंदर एक कमेटी बननी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, देश भर के हर राज्यों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव हो, 30 बड़े शिक्षाविद हों और देश का शिक्षा मंत्री जो है उसका अध्यक्ष हो। पहले ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री को बनाया था जिसका हमने विरोध किया था, अब शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा तब रहता अगर GST काउंसिल की तरह इसमें भी तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को भी लेते और उनकी कंसेंसस वाली कमेटी बनती तो अच्छा होता। तो ये सुझाव है। और आखिरी सुझाव है शिक्षा के बारे में पैसे का। ये कमेटी कहती है कि कम से कम 6% GDP का 6% देना चाहिए, फिलहाल 4-4.5 के बीच में हम झूलते रहते हैं, 6% देना चाहिए। ये कहती है कि सरकार के खर्चे का कम से कम 20% शिक्षा पे लगाना चाहिए, आजकल 10-12-15 पे हम घूमते रहते हैं। तो ये सुझाव अच्छे हैं, बशर्ते कि लागू। अब आप कहेंगे योगेंद्र जी तो अच्छी अच्छी बातें आप गिना रहे हैं, बात सच है, इसमें काफी बातें बहुत अच्छी हैं, नीति में लिखी हुई अच्छी बातें हैं और अच्छी बातें हैं, तो मैं क्यों उसको गलत बताऊं भाई, क्या कोई संदेह है? हाँ, मेरे मन में 3-4 संदेह हैं। पहला संदेह ये है कि RTE को इसमें डाइल्यूट किया जा रहा है, डाइल्यूट इस तरह से RTE को अमेंड किया जा रहा है जाएगा, और इसमें जो सुझाव है उससे लगता है कि 2009 में जो RTE के लिए स्टैंडर्ड सेट किए गए थे कि हर स्कूल में कम से कम इतना स्पेस होना चाहिए, क्लासरूम ऐसे होने चाहिए, ये सुविधाएं होनी चाहिए, इसको डाइल्यूट किया जाएगा। इसके बारे में भी डर है कि ये जो 25% सीट EWS के लिए रिजर्व की गई थी उसके बारे में चुप्पी है, ड्राफ्ट तो इसके बारे में कहता था कुछ गड़बड़ है, अब चुप्पी साध ली गई है, मतलब ले दे के इसको हटाने की तैयारी हो रही है, ऐसा मेरा संदेह, जिसके बारे में अलर्ट होने की जरूरत है। तीसरा, शिक्षा में जो असमानताएं हैं, जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ऐसे समुदाय से आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, जिनके घर में कभी शिक्षा नहीं है, जिनको साधन की जरूरत है, उन बच्चों के लिए व्यवस्था के बारे में 2-4 पैराग्राफ तो लिख दिए गए हैं लेकिन उसमें है कुछ नहीं। तो जो गरीब मार्जिनल सेक्शंस के दलित, आदिवासी, महिलाएं, सब पिछड़े समाज के जो लोग हैं, उसके लिए इस डॉक्यूमेंट में बहुत कोई चिंता और दर्द दिखाई नहीं दिया मुझे। और चौथी बात, शिक्षा का जो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है उसके बारे में हम लोगों के शोर मचाने के बाद एक पैरा तो डाल दिया गया है, लेकिन दरअसल कमर्शियलाइजेशन को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए रास्ता पहले से भी ज़्यादा खोल दिया गया है, जिसका मतलब है कमर्शियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव कुल मिला के क्या होने वाला है, मैं उसी बात पे आता हूं जहां से मैंने शुरू किया था। आम तौर पे शिक्षा नीति बहुत सुंदर बातें कहती है, लेकिन व्यवहार में जो नीति पालन की जाती है उसका इस शिक्षा नीति से कोई संबंध नहीं, यही मुझे डर है। मुझे डर यह है कि ले दे के सरकार काम सिर्फ 3-4 करेगी। इसकी 3-4 बातें हैं जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और दिखाने के बड़े सुंदर हैं, खाने के सिर्फ 4-5 हैं। मुझे लगता है कि सरकार ले दे के 5-6 चीज़ों पे एम्फेसिस देगी। एक तो अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए पैसा दिया जाएगा, जो अच्छी चीज़ है। दूसरा, बच्चों की लिटरेसी बढ़ाने का एक स्पेशल प्रोग्राम चलेगा, जो कि बढ़िया चीज़ है। तीसरा, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, जिसके बारे में दो विचार हैं, कहीं पैसा बचाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। चौथा, टीचर एजुकेशन के अंदर कुछ किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, जो फिर पॉजिटिव है। पांचवा, कॉलेज यूनिवर्सिटी को रिवैम्प करने के बारे में कुछ किया जाएगा, जो कि अभी नहीं लगता कि कुछ खास होगा। तो ले दे कि ये 4-5 चीज़ें होंगी, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में जितनी भी बहस हो ले, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, कोई अंग्रेजी मीडियम स्कूल हटाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये दुकानें जो चल रही हैं बीएड की, इनको हटाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, ऐसे ही चलता आ जाएगा। और अच्छी नीति आ जाएगी, अच्छे शब्द आ जाएंगे, एक तरफ क्रिटिकल थिंकिंग जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी तरफ लोगों को डरा के चुप किया जाता है, एक तरफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की वकालत होती है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के अंदर आप सेमिनार भी करेंगे या नहीं उसके लिए वाइस चांसलर से परमिशन लेनी होती है, एक तरफ साइंटिफिक टेंपर की वकालत की जाती है, और मंत्री जिस तरह का भाषण देते हैं उससे क्या होता है।
तो शिक्षा नीति के शब्द अच्छे हैं, बशर्ते इसे वास्तव में लागू किया जाए, बशर्ते इसकी भावना को सरकार अपने मन में अंदर लेके आए, बशर्ते इसके आधार पे काम हो। काम पे ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे नहीं। देखिएगा आरटीई एक्ट एक्चुअली अमेंड होता है कि नहीं, 3 से 18 साल तक एक्चुअली दिया जाता है कि नहीं, बजट एक्चुअली इंक्रीज होता है कि नहीं, गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप एक्चुअली बढ़ते हैं या नहीं, तब सच्चा मूल्यांकन होगा। धन्यवाद।